हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है और कमेंट भी आ रहा है, बहुत लोग सब्सक्राइब भी किए हैं। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग प्रेफरेंसेस जो होता है न्यूएंडो का, उसके बारे में बोलेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो हम थोड़ा सा एक हिंट्स दिए थे आप लोगों को प्रेफरेंसेस में क्या करना चाहिए, तो दो तीन पार्ट हम आज दिखा देंगे। मान लीजिए प्रेफरेंसेस अगर खुलने के बाद अपीयरेंसेस जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो आइकॉन जो है, मतलब आइकॉन नहीं है, इसका सेचुरेशन, मतलब हम इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कौन सा टाइप का कलर होगा, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा ना कम होगा, ऐसे टाइप में कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको रहने दीजिए। मीटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, हमें इसको रेट किया है, रेट सिलेक्ट कर, मतलब जो आप लोग को, मान लीजिए हम लोगों को ये जो है लेवल 0 dB में हम लोग एक करना है, तो इसको एक सिलेक्ट कर दीजिए, नया टाइप का कुछ कर दीजिए, मतलब इसको थोड़ा इधर लेकर आइए और इसको थोड़ा चेंज करके दूसरा कलर कर दीजिए, मतलब उसका ऊपर जाएगा तो वो माना जाएगा, वो फट जा रहा है साउंड, और दूसरा भी कलर आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो ये है, मतलब ये आप लोग कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। और कोई भी मान लीजिए इधर हम इसका ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट, इसको इस दोनों को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा रेट चाहिए तो ज़्यादा रेट होगा, तो 0 dB का ऊपर अगर ज़्यादा रेट होगा आप लोगों को इंडिकेशन मिल जाएगा। वर्क एरिया मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, वर्क एरिया जो प्रोजेक्ट के अंदर जो जगह पर, मान लीजिए वर्क एरिया ब्राइटनेस कैसा होगा, ये तो पूरा आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके लिए हमारा कोई ये नहीं है, हम जो सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में देखिए, ये बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है। आप लोग अगर ओपन करिएगा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, देखिए प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट ओपन है, न्यू लाइब्रेरी ऑन है, ऐसा टाइप का हम लोग देख सकते हैं। तो ये इसमें भी हमारा कुछ काम का नहीं है, एडिटिंग में जाइए। एडिटिंग में क्या होता है, ऑटो सिलेक्ट इवन अंडर कर्सर, मतलब जब आप लोग कर्सर को उधर उसका ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इवेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको ओके करते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि जनरल एप्लीकेशन विजिबल आफ्टर रिस्टार्टिंग द एप्लीकेशन, तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन रिस्टार्ट करने के बाद नया करके, मान लीजिए न्यूएंडो को ऑफ करके फिर से खोलना पड़ेगा, तो आप लोगों को ऑटो सिलेक्ट आ जाएगा उस उधर से। तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद देखिए, साइकिल फॉलोज रेंज सिलेक्शन, मतलब जो रेंज आप सिलेक्ट करेंगे उसका साइकिल फॉलो होगा, वो तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीट ओवरलैप्स, इसको करना नहीं चाहिए, इसको करना नहीं, क्यों नहीं चाहिए, हम आपको समझ दे रहे हैं कि हम बोल देना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब एक सिंगर गाना गाते हैं उसके ऊपर 2 नंबर टेक, 3 नंबर टेक, 4 नंबर टेक, ऐसा ऐसा करके जाते हैं, अगर आप लोग डिलीट ओवरलैप कर देंगे तो ये होगा डिलीट हो जाएगा, मतलब पीछे का जो जितना सारा है वो डिलीट हो जाएगा। लिंक एडिटर, ये दूसरा पार्ट है। और देखिए नीचे का जो है पार्ट्स, गेट्स ट्रैक नेम, मतलब लुक लॉक इवेंट्स एट्रीब्यूट, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है, मान लीजिए मिडिल से हम लोग एक पार्ट लिया है, मतलब ए लिया है, तो इसका क्या है, हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं। ये जो लॉक है ना, इसका हम पोजिशन साइज और आदर्श कर सकते हैं, मतलब ये लॉक हो गया, कोई भी जगह पर जाएगा नहीं, इसको आप लोग नहीं ले जा सकते कोई भी जगह पर, जैसे कि ये लॉक है। अगर पोजीशन लॉक होगा तो पोजीशन लॉक हो जाएगा, साइज अगर लॉक होगा तो साइज लॉक, पोजीशन लॉक हो जाएगा, मगर साइज आप लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मगर पोजीशन लॉक हो जाएगा। तो देखिए पोजीशन होगा नहीं, तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर चला जाता है प्रेफरेंसेस का अंदर। तो इसका नीचे में जो है, इसका भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बोल देंगे, क्योंकि इसका 2-3 पार्ट होगा, एक पार्ट में नहीं आएगा। तो इवेंट में चला है, इवेंट डिस्प्ले, इधर जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट है इवेंट बैकग्राउंड कॉलोनाइज कॉलोराइज इवेंट बैकग्राउंड, ये ठीक है, जो वो रहेगा वो वही डिफ़ॉल्ट है। शो इवेंट्स नेम, ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये थोड़ा छेड़छाड़ ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि क्या है, जो आपका सेटिंग्स है, अगर सेटिंग्स थोड़ा सा इधर से गड़बड़ हो जाएगा तो आप लोगों को सेटिंग्स मिलेगा नहीं, फिर से डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा,
फिर से डिफ़ॉल्ट, मतलब ये जो नीचे का बटन है डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा तो पूरा ये डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। उसके बाद देखिए ऑडियो का अंदर जो है इसको भी रखिए, इसको सॉलिड फ्रेम है। देखिए ये दूसरा तरीका भी है, हम सॉलिड कर रहे हैं। सॉलिड करने के बाद क्या होगा, ये ऑडियो सब सॉलिड में आ जाएगा, मतलब सॉलिड फ्रेम में चला जाएगा। इसका क्वालिटी चेंज होगा, ब्लैक हो गया, ये वाइट था ब्लैक हो गया। तो ये बहुत सारा लोग एक्चुअली मैजिक का मफिक दिखाते हैं, एक्चुअली ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये सेटिंग्स का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सॉलिड एंड फ्रेम रहता है, इसीलिए ऐसा टाइप का दिखाता है, तो वाइट दिखाता है। तो ब्लैक हो सकता है, कोई लोगों को हो सकता है स्टूडियो में गया है देख रहा है ब्लैक हमारा घर पे आ रहा है, वाइट में ब्लैक में आ रहा है, तो ये दूसरा टाइप का निवंडो होगा शायद, ऐसा कुछ बात नहीं है। बेसिकली इसका जो सेटिंग्स जो है, सेटिंग्स चेंज करने से आपका भी ब्लैक हो जाएगा वो, तो ठीक है। जनरल में चला है ये, मिडी में हम लोग नहीं जा रहा है अभी, इसका अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि मिडी का बहुत ढेर सारा चैप्टर क्यूबेस में बाकी है, उसमें करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरल का अंदर जो है लैंग्वेज आपको लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ऑटो सेव ऑप्शन को ऑन रखना पड़ेगा। एंड ऑटो सेव आप लोग 2 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट हम क्यों किया है, अगर आप लोग 1 मिनट करेंगे तो क्या होगा, सीपी यूजेस ज़्यादा होगा, मान लीजिए कुछ कुछ टाइम पर हैंग भी कर सकता है, तो वो क्या करेगा, 1 मिनट हो जाएगा तो वो सेव करेगा, उस टाइम में हो सकता है आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये करना नहीं चाहिए। मिनिमम 5 मिनट करिए, इसका डिफॉल्ट रहता है 15 मिनट, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रांसपोर्ट, स्कोर में नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। स्टेशनरी कर्सर जो है, स्टेशनरी कर्सर अगर हम लोग इसको ऑफ कर देंगे तो हम लोगों को लगेगा पीछे का इस जा रहा है, मतलब कर्सर नहीं जा रहा है, उसका जो पीछे है वो बैकग्राउंड हट जा रहा है। देखिए जूम कर दीजिए, फिर और भी जूम करिए, नहीं सॉरी, स्टेशनरी कर्सर को आप लोगों को ऑन करना पड़ेगा, हमारा ऑन ही था, तो इसको ऑन कर दीजिए, लगेगा पीछे का जो ये है वो चल रहा है। देखिए ठीक है, तो स्टेशनरी कर्सर आप लोगों को जो सुविधा होगा वही आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न टू ए भी, ए बहुत ही काम का है, रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन ऑन स्टॉप। रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन ऑन स्टॉप मतलब मान लीजिए आपका साउंड चल रहा है 1 नंबर बार से चल रहा है, 10 नंबर बार तक चला गया और 11 नंबर बार में आपका कोई एरर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जैसे स्टॉप करेंगे ना वो 1 नंबर में चला आएंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहने से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी होता है, जो जगह पर हम लोगों को कर्सर स्टॉप करना चाहिए वो जगह पर स्टॉप नहीं होगा, वो पूरा शुरू में चला आएगा, तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, ये लगेगा। और बाकी इधर से कोई काम अभी कुछ करना नहीं है, अभी VST में आइए। देखिए VST में ये होता है क्या, ये जो ऑटो मॉनिटरिंग ये मैनुअल होता है, कॉइल रिकॉर्ड एने ऑटो मॉनिटरिंग कॉइल रिकॉर्ड एनेबल, वो भी आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं, कॉइल रिकॉर्ड रनिंग ये भी कर सकते हैं, मतलब आपका जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मॉनिटर करके आप लोग को आपको दे रहा है, मतलब कोई सिंगर गाना गा रहा है ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्डिंग उधर ग्राफ चला रहा है, तो ये आप लोग मैनुअली रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है। प्लगइन्स का बारे में भी कुछ अभी बोलना नहीं है, प्लगइन्स एडिटर का बारे में भी कुछ बोलना नहीं है। ऊपर में हम लोग जाते हैं एक बार, इवेंट डिस्प्ले ऑडियो सॉलिड फ्रेम, अच्छा देख लेते हैं, और एक है जो हम ढूंढ रहे हैं बेसिकली, हाँ ये जो है देखिए ऑडियो एडिटिंग का अंदर ऑडियो, जो हम लोग जब ऑडियो को ओपन करता है ना वो एक विंडो आता है, ओपन ऑडियो ट्रैक एंड कॉपी टू वर्किंग डायरेक्टरी इनेबल रहता है। मतलब ये क्या होता है, जब हम लोग कोई भी ऑडियो को इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए एक ऑडियो को हम लोगों को इंपोर्ट करना है, कोई भी एक ऑडियो, मान लीजिए ये ऑडियो को नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, डी ड्राइव में हमारा है कुछ फाइल्स हैं, तो उससे हम एक काम करते हैं वर्क के अंदर, मान लीजिए कोई भी सैंपल्स हम इधर ले आ रहे हैं,
तो देखिए ये जो विंडो आ रहा है ये विंडो उधर से आ रहा है, मतलब कॉपी फाइल टू वर्किंग डायरेक्टरी, ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है। अगर फाइल कॉपी नहीं होगा, मान लीजिए इसको हम कैंसिल करते रहे, इधर से प्रेफरेंसेस का अंदर हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ करके ये ओपन डायलॉग जो है यूजिंग सेटिंग इसको ऑफ कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा जब आप लोग इंपोर्ट करेंगे वो डायलॉग नहीं दिखाएगा, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। आ गया, इसको हम अंडू करते हैं तो डायलॉग आया नहीं, तो इसका मतलब है आपका जो पूल का अंदर जो है ना ये वर्किंग डायरेक्टरी में कॉपी हुआ ही नहीं, और होगा तो क्या दिखाएगा, क्रॉस दिखाएगा, मतलब आपका ये प्रोजेक्ट अगर दूसरा कंप्यूटर में चलाएंगे तो ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, मतलब वो ढोलक चलेगा नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं ढोलक नहीं चलेगा। जो जो जगह पर क्रॉस दिखाएगा, पूल का भी एक चैप्टर बाकी है वो भी हम बोलेंगे, जो जो क्रॉस दिखाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके प्रिपेयर आर्काइव करना पड़ेगा। प्रिपेयर आर्काइव करने से ये कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, परमानेंट हिसाब से कॉपी हो जाएगा। देखिए ड्राम आ गया है, आर्काइव हो गया है, तो ये हम लोगों को चाहिए अभी नहीं चाहिए। तो बेहतर तरीका जो है इसको प्रेफरेंसेस में जाइए, इसको सेटिंग्स जो है ओपन डायलॉग सेटिंग इसको इनेबल करके ऑफ कर दीजिए, तब ये ठीक ठाक काम करेगा, ठीक ठाक चलेगा। तो ऐसा सेटिंग न्यू विंडो और क्यूबेस में होना चाहिए। आप लोग थोड़ा आपका सेटिंग थोड़ा चेक कर लीजिए, चेक करके आपका हिसाब से जो बनना चाहते हैं, जो आप लोग बनाना चाहते हैं न्यू विंडो को, तो वो थोड़ा एक बार चेक करके देखिए। हाँ, हमको लगता है आपका ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सेटिंग्स का बारे में बोल रहा है, बेसिकली सेटिंग्स क्या होना चाहिए तब तो काम का बारे में आएगा। तो ऐसा करके देखिए एक बार, और हमको कमेंट कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए, और इसको हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए, तो हमारा वीडियो थोड़ा थोड़ा करके पॉपुलर भी हो रहा है। और किसी को अगर ट्रेनिंग लेना है तो पहले हमको बुक करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको टाइम देंगे। दिवाली का पहले होगा नहीं। अगर कोई भी मास्टरिंग और मिक्सिंग सीखना चाहते हैं, मास्टरिंग और मिक्सिंग अलग अलग सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं है, मास्टरिंग अलग सब्जेक्ट, मिक्सिंग अलग सब्जेक्ट। मिक्सिंग ठीक है, मिक्सिंग थोड़ा इजी है, मगर मास्टरिंग उतना इजी नहीं है, पूरा समझाना पड़ेगा, थोड़ा क्लास लेना भी पड़ेगा, अगर आप लोग चाहिएगा तो क्लास लेना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग देखते रहिए, हमारा चैनल को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा कमेंट दीजिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।